हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस विद ईशा। सो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत का, तुगलक डायनेस्टी। इससे पहले जो है मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें करवा दी थी। दिल्ली सल्तनत जो हमने स्टार्ट किया था, हमने उसको काफ़ी कुछ कर लिया था और मैंने बहुत डिटेल में सबके आर्किटेक्चर आपको बताए हैं। तो हमने इलबारी यानी कि स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं, मामलुक डायनेस्टी बोलते हैं, अगर एग्ज़ाम में इन तीनों में से कोई भी नाम आता है तो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो में। और उसी वीडियो में हमने खिलजी डायनेस्टी भी कंप्लीट कर ली थी और ये हमारा मिडिवल हिस्ट्री का पोर्शन चल रहा है। आज हम करेंगे तुगलक, सैयद और लोदी डायनेस्टी। इसको हम कोशिश करेंगे एक वीडियो में करने की, या फिर अगर तुगलक डायनेस्टी और सैयद डायनेस्टी एक वीडियो में और लोदी डायनेस्टी से लेके ये पूरा पोर्शन और ये डिक्लाइन वाला पोर्शन जो है ये हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मैंने हर डायनेस्टी को बहुत डिटेल में हर चीज़ उसके बारे में बताई है, तो मैंने कोई भी पोर्शन छोड़ा नहीं है उसमें, ताकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो वीडियो है मेरी बहुत हेल्पफुल होने वाली है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जा रहे हों एग्ज़ाम देने के लिए। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने इसमें डाली है। और जब मेरा एक बार ये मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं पॉइंट टू पॉइंट जो एग्ज़ाम्स में आपको की वर्ड्स जो याद रखने होते हैं, कुछ भी चीज़ें जैसे किताब होती हैं, बुक्स के नेम, ऑथर के नेम, और फॉरेन ट्रैवलर्स जैसे मैंने करवा दिए हैं, ऐसी मैं गवर्नर्स की सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी। तो पहले वो सब चीज़ें आपको देखने से पहले आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, पूरी स्टोरी पता होनी चाहिए। लाइन वाइज आपको एंशंट से मैंने स्टार्ट करके आपको मैंने फिर दिल्ली सल्तनत तक लेकर आई हूँ। हाँ, एंशंट का जो है प्री हिस्टोरिक एरा रहता है अभी, और हरप्पन पीरियड वैदिक कल्चर वाला एरिया पोर्शन रहता है। जब मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी तो मैं उसको कंप्लीट करवाऊंगी, क्योंकि मिडिवल हिस्ट्री आज के एग्ज़ाम का अगर हम देखा जाए नया पैटर्न एग्ज़ाम का, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पहला एक टाइम था जब एंशंट और मॉडर्न से काफ़ी क्वेश्चन आते थे, बट अभी जो अगर देखें हम एग्ज़ाम का पैटर्न, तो एंशंट से जो है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कम हो गई है और मिडिवल हिस्ट्री से काफ़ी डीपली क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए मैंने दिल्ली सल्तनत को बहुत डीप में करवाया है, एक एक चीज़ मैंने डालने की कोशिश करी है। स्टिल अगर कुछ छूट जाएगा तो उसको हम MCQ के फॉर्मेट में या किसी और तरीके से उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तुगलक डायनेस्टी को अगर हम देखें दिल्ली सल्तनत की, तो ये तीसरी डायनेस्टी थी। तुगलक डायनेस्टी ने टुक ओवर किया फ्रॉम द खिलजीज़। तो खिलजीज़ के बाद कौन आए थे, तुगलक डायनेस्टी कब आए थे, ये 1320 ईस्वी में, बिकमिंग द थर्ड डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत। मैं इंग्लिश का मेरा कंटेक्स्ट है लेकिन कंटेंट है, लेकिन इसके बाद मैं हिंदी में प्रॉपर तरीके से आपको इसको बताऊंगी, हिंदी में भी मैं एक्सप्लेन करूंगी, तो बाइलिंगुअल रहेगी वीडियो। तो ये नहीं सोचना है कि अरे इंग्लिश का पूरा कंटेंट है, हिंदी वालों को भी वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। आप बस एक बार ट्राई करके सुन के देखो, पसंद आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं इसके बाद और डीपली आपको समझाने की कोशिश करूंगी। जो तुगलक डायनेस्टी है, अरोज ड्यूरिंग मिडिवल इंडिया। तो मिडिवल इंडिया में हमें पता है कि ये इनका राइज हुआ था एंड वॉज द थर्ड डायनेस्टी है ये ऑफ द रूल इन दिल्ली सल्तनत। बेसिकली ये बोल रहा है कि तुगलक डायनेस्टी जो है दिल्ली सल्तनत यानी कि मिडिवल इंडिया में जब आई थी, यहीं से इनका राइज हुआ था, यहीं से इनका उदय, मतलब इनका जो है नाम आया था तुगलक डायनेस्टी का, और तीसरी डायनेस्टी रही है ये दिल्ली सल्तनत की। फिर नेक्स्ट लाइन बोलते हैं कि द तुगलक डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम 320 ईस्वी से लेके 1414 ईस्वी तक एंड वॉज रूल्ड बाय मैनी रूलर्स। काफ़ी रूलर्स ने यहाँ पे रूल किया, सच एज इनके रूलर्स का नाम है गजनी मलिक, मोहम्मद बिन तुगलक, और काफ़ी अलग नाम भी हैं। तो तुगलक डायनेस्टी जो है ये एक तुर्किश ओरिजन है, अब तक हमने देखा सबका ही तुर्किश ओरिजन है, एंड द फैमिली रिलीजन वॉज मुस्लिम। इनका जो रिलीजन है ये मुस्लिम है। गियासुद्दीन तुगलक जो थे ये फाउंडर हैं किसके, तुगलक डायनेस्टी के इंडिया में। तो इंडिया में तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर कौन रहे हैं, तो वो है गियासुद्दीन तुगलक। द तुगलक्स वर एबल टू मेंटेन देयर रूल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक, जो तुगलक्स थे इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत पे अपना जो राज था वो बनाए रखा था, बिकॉज दे हैड स्ट्रॉन्ग अलाइज सच एज। तो इनके बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग अलाइज थे, रिश्ते थे किन के साथ, तुर्क के साथ, अफगान के साथ, साउथ एशिया मुस्लिम वॉरियर्स, तो इनके साथ इनके काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे। तुगलक डायनेस्टी वॉज मार्क्ड बाय, तो इनको हम जानते कैसे हैं, इनका जो एक मार्क है, मतलब एक इनके बारे में जो एक बातें बोली जाती है जिससे पता चलता है कि अरे ये तो तुगलक डायनेस्टी के बारे में बात हो रही है। तो क्या ऐसी चीज़ें थी कि ये टॉर्चर करते थे, बहुत ही क्रुएलिटी ये नेचर अपनाते थे, मतलब काफ़ी अग्रेसिव नेचर था, टॉर्चर करते थे लोगों को, रेबिलियंस थे, विच रिजल्टेड इन द डायनेस्टी टेरिटोरियल रीच रैपिडली डिसइंटीग्रेटेड आफ्टर
1335। देखिए इनका क्या था, काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने रूल तो किया, लेकिन जो इनका नेचर था ना, जो इनका व्यक्तित्व था, ये लोगों को बहुत टॉर्चर करते थे, बहुत ही क्रुएलिटी और गुस्सेल वाला इनका नेचर था और बहुत हरास करते थे ये लोगों को। तो इसका इसकी वजह से क्या हुआ, डायनेस्टी एक टाइम पे पीक पर तो पहुंची, लेकिन उसके बाद फिर डिसइंटीग्रेट हो गई, यानी कि बिखरने लग गई थी। किसके बाद? आफ्टर 1335 AD के बाद ये बिखरने लग गई थी। द डायनेस्टी रीच्ड इट्स पिनेकल बिटवीन, जब ये इसका जो एक पॉइंट आया था, पीक अगर हम बोले कि आया था, तो वो 1330 से लेके 1335 के बीच में आया था, और 1335 के बाद ही डिक्लाइन होने लगी थी, क्योंकि ये डिसइंटीग्रेट हो रही थी, यानी कि टूट रही थी। ड्यूरिंग अ मिलिट्री कैंपेन लेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक, तो यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो मिलिट्री कैंपेन चलाया था, हम पढ़ेंगे उसको, तो उस पीरियड में इसका एक पीक आया था, एक हाईएस्ट पीक आया था, जहाँ पे ये काफ़ी आगे तक गए थे, इन्होंने अपना जो टेरिटोरियल रीच है वो काफ़ी आगे तक बढ़ाया था। लेकिन उसके बाद जस्ट 1335 के बाद ये डिसइंटीग्रेट होते गए, बहुत ही तेज़ी से जो है बिखरा ये जो तुगलक डायनेस्टी है। तो फर्स्ट रूलर फाउंडर कौन थे, तो फाउंडर अगर एग्जाम में पूछा जाए तो वो थे गियासुद्दीन तुगलक, जिनका टाइम पीरियड था 1320 से लेकर 1325 का, जो कि फाउंडर हैं तुगलक डायनेस्टी के। आफ्टर असेंडिंग टू द दिल्ली थ्रोन, दिल्ली थ्रोन यानी दिल्ली की जो शासन था, जो एक गद्दी थी दिल्ली की, वो असेंड करने के बाद, असेंड का मतलब होता है दोस्तों उस गद्दी को अपने अंदर लेने के बाद, यानी कि उस गद्दी पे बैठने के बाद, गियासुद्दीन तुगलक अडॉप्ट करते हैं अ सस्टेन्ड एंड विगोरस फॉरवर्ड पॉलिसी। सस्टेन्ड और विगोरस फॉरवर्ड पॉलिसी का मतलब है कि आगे अपने एरिया को कैसे बढ़ाना है, एक सस्टेन तरीके से, मैनुअल तरीके से हम कैसे लेके चलेंगे, वो इन्होंने पॉलिसी फॉलो करी। दस स्टार्टेड द एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब फैलाना अपना एरिया, अगर आपका इतना एरिया है तो अब आप चाहोगे कि हमारा एरिया इतना बड़ा हो जाए, तो एक्सपेंशन पॉलिसी इन्होंने फॉलो करी ऑफ द दिल्ली सल्तनत बॉर्डर, तो जो बॉर्डर था उसको और इंक्रीज करने की इन्होंने कोशिश करी। तो 1321 में क्या हुआ, जस्ट एक साल बाद इनकी गद्दी में आने के बाद, ही सेंट हिज एल्डेस्ट सन उलुग खान, तो उलुग खान किसके बेटे थे, तो वो गियासुद्दीन के एल्डेस्ट यानी कि बड़े बेटे थे, लेटर नोन एज मोहम्मद बिन तुगलक। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि उलुग खान किसका नाम है, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम है, हु वॉज द सन ऑफ गियासुद्दीन तुगलक, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि गियासुद्दीन तुगलक ने अपने बड़े बेटे उलुग खान यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक को कहाँ भेजा, इन्होंने भेजा इनको देवगिर तो प्लंडर करने के लिए हिंदू किंगडम ऑफ वारंगल, वारंगल यानी कि इन्होंने साउथ में भेजा किसको, अपने बड़े बेटे को मोहम्मद बिन तुगलक को, कि वो वहाँ जाके प्लंडर करे यानी कि आतंक मचाए एक तरीके से, वहाँ पे मारपीट यानी कि लड़ाई करे और वहाँ का जो भी एरिया है उसको अपने अंदर लेने की कोशिश करे। बट द फर्स्ट अटैम्प्ट वॉज अ फेलियर, तो ये जो पहला अटैम्प्ट था ये फेल हो गया था इनका। तो 4 महीने बाद इन्होंने क्या किया, गियासुद्दीन तुगलक ने काफ़ी बड़ी आर्मी भेजी, ठीक है, वापस से वहीं पर वारंगल में, एंड हिज सन आस्किंग हिम टू अटेम्प्ट करने के लिए प्लंडरिंग वारंगल और तिलांग अगेन, एंड दिस टाइम उलुग खान सक्सीड। तो बेसिकली हुआ क्या, पहली बार जब उलुग खान यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि गियासुद्दीन तुगलक के बेटे थे, ये गए वारंगल में प्लंडर करने के लिए, यानी कि वहाँ पे अपना राज्य बढ़ाने के लिए, तो पहली बार में इनको हार मिली थी, फेल हो गए थे ये। लेकिन आने वाले 4 महीने बाद जब गियासुद्दीन तुगलक एक बड़ी आर्मी लेकर वहाँ पर गए, अपने फादर से परमिशन लेकर, और फिर जब ये वहाँ पे गए, क्या कह रहा है कि गियासुद्दीन तुगलक की बात हो रही है, ये भेजते हैं बड़ी आर्मी रीइन्फोर्समेंट फॉर हिज सन आस्किंग हिम टू अटेम्प्ट करने के लिए दोबारा से। तो इस बार जो है उलुग खान अपने पिता से बड़ी आर्मी की परमिशन लेते हैं कि मैं बहुत बड़ी आर्मी लेके वहाँ जाना चाहता हूँ, कहाँ पे, वारंगर और तिलांग में, वहाँ जाकर जो है उलुग खान वहाँ पे सक्सीड करते हैं। तो दूसरे अटैम्प्ट जो ये 4 महीने बाद करते हैं, वहाँ पर ये पास हो जाते हैं और वो एरिया अपने अंदर ले लेते हैं। यहाँ पे बार बार वारंगल आ रहा है, वारंगल फेल यानी कि वारंगल हार जाते हैं, वॉज रीनेम्ड, तो वारंगल का नाम चेंज करके ये सुल्तानपुर रख देते हैं, ठीक है। एंड द वेल्थ एंड द ट्रेजरी वर प्लंडर्ड, जो भी वहाँ का वेल्थ और जो पैसा होता है, खजाना होता है, वो ये प्लंडर कर लेते हैं, मतलब अपने अंडर ले लेते हैं। एंड द कैपेटिव्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वारंगल टू द कैपिटल टू दिल्ली, तो जो भी कैपेटिव्स का मतलब है, जो भी वहाँ पर पूंजी थी उनकी, जमा पूंजी जो थी, वो सारा इन्होंने सुल्तानपुर यानी कि वारंगल से ट्रांसफर करके कहाँ ले आए, दिल्ली में ले आए ये लोग, क्लियर हो गया। क्योंकि दिल्ली सल्तनत मेन कैपिटल था, तो लोग क्या करते हैं, आज अगर दिल्ली हमारा कैपिटल है तो हम इसको स्ट्रांग बनाते हैं कि सारी अच्छी चीज़ें हमारे दिल्ली में हो, कि एक स्ट्रांग कैपिटल की तरफ से हमारा एक ओहदा बने। इसी तरीके से उस टाइम पे भी जो इनका मेन कैपिटल होता था, तो उसमें ये अपना सारा खजाना, पैसा, हर चीज़ रखते थे, ठीक है। दिस वॉज फॉलोड बाय द कॉन्क्वेस्ट, तो ये फॉलो किया इन्होंने कॉन्क्वेस्ट करके यानी कि पराजित करके, एनेक्सेशन किया, वहाँ पे अपना ओहदा जमाया, ऑफ मालाबार आएगा, बहुत मिस्टेक हो गई है, मालाबार तमिलनाडु कोस्ट के पास।
आफ्टर दिस इसके बाद क्या क्या, उलुग खान जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, इन्होंने रेड किया कहाँ पे, उड़ीसा में, और फिर ये रिटर्न हो गए दिल्ली में विद रिच प्लंडर। मतलब फिर उसके बाद इन्होंने उड़ीसा में भी रेड मारी, वहाँ से भी बहुत सारा पैसा और धन लेकर ये दिल्ली वापस आए। 1324 में क्या हुआ था, 1324 में द बॉर्डर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत हैज़ रीच्ड अप टू द मदुरई। तो इन्होंने अपना एरिया जो है एक्सटेंड किया, एक्सपेंड किया, बढ़ाया कहाँ तक, मदुरई तक। ठीक है, अब बात करेंगे 1328 में क्या हुआ था, जो लास्ट हिंदू प्रिंसिपैलिटी ऑफ द एरिया थी कंपिली, साउथ कर्नाटक की बात चल रही है, वॉज ऑल्सो अनेक्स्ड। मतलब आप देख रहे हो ये साउथ कर्नाटक तक गए, बिल्कुल डेक्कन तक की बिल्कुल एंड तक चले गए थे साउथ में, और इन्होंने जो वहाँ का जो हिंदू प्रिंसिपैलिटी का एरिया था जहाँ पे हिंदू लोग रहते थे, कंपिली नाम है साउथ कर्नाटक में, इन्होंने उसको भी अपने अंदर ले लिया था, कब, 1328 में। तो अगर एग्ज़ाम में ऐसे पॉइंट्स बना दिए कि ये जो क्वेश्चन में ऊपर लिख देंगे रिलेटेड टू गियासुद्दीन तुगलक, और फिर अगर उसके बाद ये मोहम्मद बिन तुगलक का नाम दे दिया और ये पॉइंट्स दे दिए कि इन्होंने ऐसा ऐसा कुछ किया था, तो आपको ये ध्यान रखना कि किसने कहाँ पर अटैक करके कौन सा एरिया अपने अंडर लिया था। ठीक है, भले ही गियासुद्दीन तुगलक का वहाँ पर राज चल रहा था, लेकिन अटैक किसने किए थे, मोहम्मद बिन तुगलक ने, और सारी चीज़ें किसने जीती थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। द एक्सक्यूज़ फॉर अटैकिंग इट, यानी कि जो इन्होंने एक्सक्यूज़ दिया वहाँ पे अटैक करने का, इट वॉज दैट अ रिबेल कज़न ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक हैड बिन शेल्टर्ड दियर। तो कोई रिबेल कज़न था इनका मोहम्मद बिन तुगलक का, जो वहाँ पे छुप के बैठा हुआ था, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे अटैक किया था। मीनवाइल हालांकि बंगाल हैड बीन वर्चुअली इंडिपेंडेंट, कह रहा है कि बंगाल जो है वो वैसे ही बहुत इंडिपेंडेंट था, सिंस द डेथ ऑफ बलबन, जब से बलबन की डेथ हुई, बलबन की डेथ के बाद जो कि मामलुक डायनेस्टी यानी कि स्लेव डायनेस्टी के जो रूलर रहे हैं बलबन, तो इनके डेथ के बाद जो है बंगाल जो है इंडिपेंडेंट रहा था, क्योंकि हम सबने देखा कि बलबन ने बंगाल पर अपना कब्जा किया था, और उसके बाद बंगाल हमेशा से इंडिपेंडेंट रहा है। 1324 से 25 CE के बीच में क्या हुआ था, आफ्टर प्लेसिंग दिल्ली अंडर द कंट्रोल ऑफ हिज सन, तो इसके बाद जो कंट्रोल है गियासुद्दीन तुगलक ने अपनी आर्मी की वो दे दी मोहम्मद बिन तुगलक को, यानी कि उलुग खान को, अपनी आर्मी लेड करने के लिए। कहाँ पे, कहाँ भेजा इन्होंने, लखनौती यानी कि बंगाल में, बंगाल उस टाइम पे इंडिपेंडेंट था, और कैप्चर करते हैं इट आफ्टर अ सीरीज ऑफ बैटल, काफ़ी सारी बैटल्स होती हैं, उसके बाद ये क्या करते हैं गियासुद्दीन तुगलक के बेटे जो हैं उलुग खान यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, ये बंगाल के भी अपने अंदर ले लेते हैं। बट एज ही एंड हिज फेवरेट सन, गियासुद्दीन तुगलक की बात हो रही है यहाँ पे ही के उसमें, और उनके फेवरेट सन जो बड़े सन थे मोहम्मद खान, वर रिटर्निंग फ्रॉम लखनौती टू दिल्ली, तो ये लखनौती से दिल्ली आ रहे थे, यानी कि बंगाल से ही दिल्ली आ रहे थे। एल्डेस्ट सन जो थे इनके उलुग खान स्कीम्ड टू किल हिम, सॉरी यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी, मोहम्मद खान जो है इनके दूसरे बेटे थे किसके, गियासुद्दीन तुगलक के, तो ये दोनों जो है वापस आ रहे थे लखनौती से दिल्ली। तो होता क्या है, जो इनके बड़े बेटे होते हैं उलुग खान, ये एक स्कीम बनाते हैं उनको मारने की, इनसाइड अ वुडन स्ट्रक्चर, कुश्क बोलते हैं, अगर कुश्क टर्म आया कि कुश्क टर्म किससे रिलेटेड है, और स्टेटमेंट दे देंगे कि यहाँ पर जो है उलुग खान ने अपने फादर को मारने की कोशिश करी थी एक वुडन स्ट्रक्चर में, तो वो स्टेटमेंट सही हो जाएगी, क्योंकि कुश्क क्या है, एक वुडन स्ट्रक्चर है जहाँ पर किसको मारा गया था, प्लान किया गया था मारने के लिए, गियासुद्दीन तुगलक को, बिल्ट एंड डिजाइंड टू कोलैप्स करने के लिए, मेकिंग इट अपीयर लाइक एन एक्सीडेंट, मतलब एक एक्सीडेंट दिखाने की इन्होंने कोशिश करी थी, किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिनका नाम उलुग खान था, जो कि बड़े बेटे थे गियासुद्दीन तुगलक के। दस गियासुद्दीन तुगलक डाइड, तो वो उस टाइम मर जाते हैं 1325 में, एंड मोहम्मद बिन तुगलक जो है, जो बड़े बेटे थे इनके, ये फोर्सफुली जो है सारा थ्रोन, मतलब जो थ्रोन होता है दिल्ली सल्तनत का, वो ये कब्जा कर लेते हैं उस पे। गियासुद्दीन तुगलक बिल्ड द तुगलकाबाद फोर्ट, तो अगर एग्जाम में पूछा गया कि तुगलकाबाद फोर्ट जो है वो किसने बनाया था, तो गियासुद्दीन तुगलक ने बनाया था, जो कि फाउंडर हैं तुगलक डायनेस्टी के, और मेकिंग तुगलकाबाद वन ऑफ द सेवन सिटीज ऑफ दिल्ली। तो जो सातवीं सिटी, अगर एग्जाम में आया कि किस डायनेस्टी ने, जो किस रूलर ने तुगलकाबाद को दिल्ली की सातवीं सिटी बनवाई थी, सेवंथ सिटी बनवाई थी, तो वो गियासुद्दीन तुगलक थे। आमिर खुसरो जो है वो रोट थे, उस टाइम के राइटर थे, किसके दरबार में राइटर थे वो, गियासुद्दीन तुगलक के। तो तुगलक नामा किसने लिखा था, तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है पॉइंट में तुगलक डायनेस्टी से रिलेटेड, तो आमिर खुसरो जो है इनके दरबार में तुगलक डायनेस्टी के में, और इन्होंने क्या लिखा था, तुगलक नामा ड्यूरिंग दिस टाइम, कब, गियासुद्दीन तुगलक के टाइम पे, एंड ही वॉज ऑल्सो अ कंटेम्प्रेरी ऑफ सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया। तो किसकी बात हो रही है, गियासुद्दीन तुगलक की बात हो रही है और आमिर खुसरो की, कि ये लोग जो हैं किसके कंटेम्प्रेरी रहे हैं, एक सूफी संत थे निज़ामुद्दीन औलिया, उनके भी कंटेम्प्रेरी, मतलब उस टाइम पे ये भी उनके साथ हुआ करते थे।
अब इनके डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसीज़ की बात करेंगे, किसके गियासुद्दीन तुगलक के बारे में हम बात करेंगे, जो इनकी डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसीज़ थी। तो ही गेव मोर इम्पोर्टेंस टू पोस्टल अरेंजमेंट, तो पोस्टल अरेंजमेंट को इन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, जुडिशियल को इंपॉर्टेंस दी, इरीगेशन यानी कि खेती, एग्रीकल्चर, पानी, पुलिस, इन सब चीज़ों को इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंस दी थी। और 1320 में क्या हुआ था, जब ये थ्रोन इन्होंने असेंड किया था गियासुद्दीन तुगलक ने, ही ब्रॉट बंगाल, उत्कला एंड उड़ीसा, वारंगल अंडर हिज कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ हिज एल्डर सन, जिनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। द मंगोल लीडर्स हु इन्वेडेड नॉर्थ इंडिया, तो जो मंगोल लीडर्स का हमने देखा है कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पे लगातार इन्वेजन हुआ है इनका, अरब्स के टाइम पे भी, तुर्किश के टाइम पे भी लगातार इन्होंने इन्वेड किया है, आक्रमण किया है, वर सीज्ड एंड कन्फाइंड बाय हिम, तो इन्होंने उसको भी रोका और अप नॉर्थ में उनको, नॉर्थ तक ही उनको, जहाँ तक वो थे उनको, उससे आगे इन्होंने बढ़ने नहीं दिया था मंगोल्स को। जो सेकेंड रूलर आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि गियासुद्दीन तुगलक के एल्डर सन थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक अटैक्ड एंड प्लेस्ड मालवा, तो ये कहाँ कहाँ अटैक करते हैं और अपने अंडर ले लेते हैं, मालवा पे अटैक करके उसको कब्ज़ा कर लेते हैं, गुजरात, मराठा, तिलांग, मैंने बताया था आपको, तिलांग और वारंगल में करते हैं, कंपिला, दुर समुंदर, मालाबार, लखनौती, चित्तगोंग और सुनार गनौ और तिरहुत, तो इतने एरिए में जो है मोहम्मद बिन तुगलक अटैक करते हैं और अपना एरिया एक्सपेंड करते हैं। ऑल्थो हिज़ फार फ्लंग कैंपेन, इनका जो इतना दूर दूर का जो कैंपेन ये करते थे, लड़ाई करने जाते थे, अगर आप दिल्ली सल्तनत में हो और आप साउथ में अगर वॉर करने जा रहे हो पूरी आर्मी लेके और वेपन्स लेके, तो उसमें क्या होता है, आपका बहुत ज़्यादा खर्चा होता है और उस खर्चे को ये पूरा करने के लिए हर जगह जाके रेड करते थे, अटैक करते थे, किस पे, नॉन मुस्लिम्स किंगडम्स पे, क्लियर हो गया। ब्रॉट न्यू लूटेड वेल्थ, तो वो क्या करते थे, नया लूटा हुआ सामान, रैनसम पेमेंट्स कैप्चर करते थे दिल्ली बाकी एरिए से, लोगों से भी जो है पैसा लूट मचा के ये कैप्चर कर लेते थे हर चीज़, और वो सब ये फिर कहाँ यूज़ करते थे, नेक्स्ट अपने जहाँ पर भी ये रेड मारने जाते थे। द दिल्ली सल्तनत ब्रीफली एक्सपेंडेड द मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो इस टाइम पे जो है दिल्ली सल्तनत ने सबसे ज़्यादा जो कहते हैं डीप गया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोअर पोर्शन तक गया, अगर ये हमारे इंडिया का मैप है तो ये यहाँ तक आ गए, आप समझ रहे हो, तो बहुत ज़्यादा जो अपना एक्सपेंड कर पाए साउथ इंडिया तक, तो वो कौन थे, वो तुगलक डायनेस्टी थी। बट इवेंचुअली क्या होता है, रेबिलियंस स्प्रेड हो जाते हैं, जो रेबल्स होते हैं यानी कि जो इनके अगेंस्ट होते हैं वो खड़े हो जाते हैं ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि बार बार कोई बाहर से आके और हमारे एरिया में अटैक करके हमारा सारा जो पैसा है, सोना है, सब लेके चले जाएं ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो इनके इनके खिलाफ जो है रेबिलियंस जो है स्प्रेड होने लग गए, मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू मेंटेन द एक्सपेंड एम्पायर। तो अब क्या हुआ, ये धीरे धीरे जो अटैक करके सबको लूट रहे थे, उस चीज़ से लोग भी परेशान हो गए थे और इन्हीं के खिलाफ उन्होंने जो है अपने आप को खड़ा किया और कंटिन्यूस वो इनके खिलाफ जो है स्प्रेड कर, रेबिलियंस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको विद्रोह जो है इनके खिलाफ होते चले गए थे और उसको ये मेंटेन नहीं कर पा रहे थे जो है तुगलक डायनेस्टी, और यहाँ से जो है इनकी डायनेस्टी फिर गिरने लग गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक क्या करते हैं, ही ट्रांसफर्ड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। अनदर वन क्वेश्चन, तुगलकाबाद किसने सेटल किया था, गियासुद्दीन तुगलक ने। अब ये क्वेश्चन आया है कि जो कैपिटल है वो दिल्ली से दौलताबाद किसने शिफ्ट किया था, अब आप मुझे बताएंगे कि दिल्ली को कैपिटल पहले किसने बनाया था, मैं ये क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, इससे पहले भी कैपिटल लाहौर से दिल्ली आई थी, तो लाहौर टू दिल्ली कैपिटल किसने शिफ्ट करी थी, मैंने लास्ट वीडियो में करवाया था, अगर आप में से किसी ने देखी है तो आपको पता होगा। फिर उसके बाद क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है फिर कैपिटल शिफ्ट करते हैं दिल्ली टू देवगिरी यानी कि दौलताबाद। अब ध्यान रखना आगे फिर से दौलताबाद से दिल्ली कैपिटल जाएगी, तो वो भी आगे आने वाले टाइम में मैं बता दूंगी, फॉर बेटर सेंट्रल कंट्रोल करने के लिए। तो ये फोर्स करते हैं रॉयल्स को, कॉमन पीपल्स को और सूफीज़ को कि मूव करें टू दौलताबाद, कि वो सब दौलताबाद आ जाएं दिल्ली से, बट मैनी ऑफ देम डाइड इन द रिगोरियस जर्नी। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप नॉर्थ में हैं दिल्ली में, अब आपको साउथ में आना है दौलताबाद यानी कि देवगिरी में, उस टाइम पे इतना ज़्यादा वो हो गया था कि आप अपना पूरा कैपिटल, आप सोच रहे अगर अगर आज हम दिल्ली से कैपिटल शिफ्ट करके कहीं और करते हैं, मान लीजिए अगर मुंबई में करते हैं, तो क्या क्या लेके जाना पड़ेगा, हमें सुप्रीम कोर्ट मुंबई शिफ्ट करना पड़ेगा, हमें जो राज्यसभा है, लोकसभा है, कितनी सारी इंपॉर्टेंट एम्बेसीज, इतनी सारी चीज़ें हम मुंबई में जो शिफ्ट करेंगे, लोगों को शिफ्ट करेंगे, तो क्या होगा,
हमारा कितना पैसा खर्च होगा, पैसा खर्च होने के साथ साथ उन लोगों की केयर। और आज तो चलो फिर भी फ्लाइट से चीज लोग चले जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे लोग पैदल जाया करते थे रास्ते में अलग अलग जगह ठहर के। अब कैपिटल है तो आपके पास सोना बहुत ज़्यादा है, आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। अब आप दिल्ली से इतना सारा सोना और पैसा दौलताबाद लेकर जाओगे, और आप ये भूल रहे हो कि आपने हर जगह यहाँ पर अटैक कर करके उनका सारा पैसा और सोना छीना था। तो अगर अब आप यहाँ से जाओगे, आपके खिलाफ रेबिलियंस खड़े हो चुके हैं, तो अब वो आपको रास्ते में लूटेंगे, आपको मारेंगे, और आपका सारा जो पैसा कमाया हुआ था वो सब छीन लेंगे। तो ये 1500 किलोमीटर का आपकी जर्नी थी, और इस जर्नी में इनके बहुत सारे लोग जो है मारे जाते हैं। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद क्या होता है, जो सुल्तान है अबंडेंट दौलताबाद एंड आस्क्ड देम टू रिटर्न टू दिल्ली। अब इन्हें प्रॉब्लम क्या हुई, दिल्ली में हर चीज़ की पूर्ति थी, बगल में गंगा रिवर है, यमुना रिवर है, हर चीज़ है, आपके पास पानी की कमी नहीं, इरिगेशन अच्छा खासा हो रहा था, हर चीज़ की खेती हो रही थी, मिट्टी वहाँ की उपजाऊ थी, हर चीज़ नॉर्थ इंडिया में सब कुछ बेस्ट हो रहा था वहाँ पे। लेकिन दौलताबाद में इनको काफ़ी चीज़ों की कमी हुई। अब आपने इतना खर्चा करके, इतने लोगों की जान को दाव पे लगा के आप दौलताबाद शिफ्ट हुए, अब 2 साल बाद आप फिर से बोल रहे हो कि अब हमें दिल्ली में जाना चाहिए। तो इनिशियली ही वॉज टॉलरेंट टूवर्ड्स ऑल रिलीजन, तो ये कहीं ना कहीं जो एक रीज़न था इनकी सल्तनत का गिरने का, इनकी डायनेस्टी का गिरने का, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न था जो इनके ये डिसीजन थे कैपिटल को शिफ्ट करने का। इनिशियली क्या हुआ फिर, ही वॉज तो स्टार्टिंग में जो है ये सारे रिलीजन्स के लिए बहुत टॉलरेंट थे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि सबका अपना अपना धर्म है, वो अपने अपने धर्म में बिलीव करें। विच इज़ क्रेडिटेड टू हिम बींग ओनली सुल्तान टू रिसीव लिटरेरी रिलीजियस एंड फिलोसफिकल एजुकेशन। तो इकलौते ऐसे थे जो रिलीजियस टॉलरेंस थे तुगलक डायनेस्टी में। इन द 14th सेंचुरी, तो 14th सेंचुरी में क्या होता है, देर वॉज अ ग्लोबल ड्रॉप, तो काफ़ी बड़ा ड्रॉप आता है पूरे वर्ल्ड में इन द वैल्यू ऑफ सिल्वर। तो सिल्वर में देखिए आज भी होता है कि काफ़ी रुपीज़ में गिरावट आ जाती है, और कई बार देखते हैं हम कुछ महामारी आती है तो बहुत ज़्यादा हमारा क्या होता है, इकोनॉमिकली हम बहुत डाउन चले जाते हैं। तो पहले भी ऐसे होता था कि पूरे ग्लोबल यानी पूरे वर्ल्ड में सिल्वर यानी कि चांदी की जो वैल्यू थी उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई थी, विच मेड माइनिंग कॉइन्स डिफिकल्ट। तो इसकी वजह से ये सिल्वर के जो कॉइन्स बनाते थे वो काफ़ी डिफिकल्ट हो गए थे इन लोगों के लिए बनाने। उस टाइम पे चाइना में क्या चल रहा था, इन चाइना कुबलाई खान, तो कुबलाई खान सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड अ पेपर बेस्ड टोकन करेंसी। तो पहली बार अगर पूरे वर्ल्ड में पेपर बेस्ड टोकन करेंसी कोई लेकर आया था तो वो कुबलाई खान थे, सॉरी कुबलाई खान जिनका नाम है, आपको इनका नाम 100% याद रखना है कि कुबलाई खान। अगर एग्जाम में ये पॉइंट आया कि किसके टाइम पीरियड में सिल्वर जो है यानी कि सिल्वर कॉइन्स जो है, सिल्वर का जो वैल्यू है वो ड्रॉप हुआ था पूरे वर्ल्ड में, तो वो तुगलक डायनेस्टी थी। और तुगलक डायनेस्टी के कौन सा राजा के टाइम पे हुआ था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ही चाइना में कुबलाई खान थे जिन्होंने पेपर से पहली बार टोकन करेंसी बनाई थी। ठीक है, द मंगोल्स ऑफ इखानते यानी कि ईरान, आप समझ सकते हैं जो ईरान से जो मंगोल्स आए थे, ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड विद टोकन करेंसी, इन्होंने भी टोकन करेंसी के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इंट्रोड्यूस किया था ब्रोंज और कॉपर। अब सिल्वर तो आपका ड्रॉप हो चुका है, आपको सिल्वर नहीं मिल रहा है, आप नहीं छाप पा रहे हो सिल्वर के कॉइन्स, तो अब आपने ब्रोंज का सहारा लिया और आपने कॉपर कॉइन्स बनाए एट पर वैल्यू ऑफ सिल्वर तांका। तांका मतलब कि कॉइन्स, आपने सिल्वर के बराबर क्या किया, आपने ब्रोंज और कॉपर को बनाया। और ही एक्सचेंज सिल्वर कॉइन्स फॉर ऑल कॉपर कॉइन्स। अब ये इनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी कि राज्य में जिसके पास भी सिल्वर कॉइन्स थे इन्होंने उसको एक्सचेंज किया और उनको दिए उन्होंने कॉपर कॉइन्स। बट दिस मूव वॉज नॉट वेल और रिसीव्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये मूव इनको पसंद नहीं आया और अच्छे से ये रन नहीं कर पाया, क्योंकि अब आप क्या चाह रहे हो कि अब लोगों ने क्या किया, लोगों ने नकली सिल्वर के कॉइन्स घर पे बनाने शुरू कर दिए, सेम वैसे ही सिल्वर के कॉइन्स ही छापने लग गए नकली। अब आपको पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि उस टाइम पे इसने ये डील रखी थी कि जिनके पास भी सिल्वर कॉइन्स है वो सिल्वर कॉइन्स मुझे दे दे, और जो कॉइन्स कॉपर के इन्होंने बनाए थे ब्रोंज के वो उसके बदले वो दे रहे थे। अब सबको पैसा चाहिए था कि अरे हमें और पैसा मिल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं इनका काफ़ी बड़ा डिक्लाइन का पीरियड था। जो इंट्रोडक्शन था कॉपर कॉइन्स का एट पार वैल्यू ऑफ सिल्वर टंका, यानी कि सिल्वर टंका के बदले जो कॉपर कॉइन्स का इन्होंने जो इंट्रोडक्शन रखा था, लेड टू फॉर्गरी, हैंस द सुल्तान हैड टू स्टॉप सर्कुलेशन। तो इसको काफ़ी वजह से, इनकी वजह से काफ़ी इनको नुकसान हुआ, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा नकली सिल्वर जो कॉइन्स थे वो आ गए थे, जो कि नकली थे, जैसे गोल्ड भी आज के टाइम हम देखते हैं ना परत चढ़ा देते हैं, तो इससे इनको काफ़ी नुकसान हुआ। तो इनको ये सर्कुलेशन जो इन्होंने चलाया था सिल्वर के बदले कॉपर का, ये इनको रोकना पड़ा।
ओवरकम करने के लिए अपनी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज, क्योंकि आपने तो अपना सारा का सारा खजाना दे दिया कॉपर कॉइन्स जो थे और सारे नकली कॉइन्स आपने अपने पास रख लिए, तो ही इम्पोज्ड हैवी टैक्स। अब वापस से वो पैसा लेने के लिए इन्होंने क्या किया, बहुत हैवी टैक्स लगा दिया उन लोगों पे जो कि दुआब वाले रीजन में रहते थे। दुआब के रीजन आपको पता होगा क्या होता है, विच लेड टू अ स्ट्रॉन्ग रिवोल्ट। अब जनता के हाथ में तो पैसा आ गया, वो क्यों आपको पैसे देंगे, और आप जानबूझ के अगर टैक्स बढ़ा रहे हो उनसे पैसा लेने के लिए, तो रिवॉल्ट आपके पास ज़रूर खड़े होंगे। और इनके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्ट हुए फ्रॉम पीजेंट्स, यानी कि किसानों ने इनके खिलाफ रिवॉल्ट किए। दुआब का रीज़न होता है पानी वाला एरिया जहाँ पर खेती और सिंचाई होती है, इनसे ये हैवी टैक्स लेने लग गए। और उस सेम टाइम पर क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग फेमाइन आया, ऑल्सो रेवेजिंग। लो भैया, आप वैसे ही बहुत नुकसान में चल रहे थे, उसके बाद बहुत ही बड़ा फेमाइन आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया को भी रिकवर करने में काफ़ी टाइम लगा। पहले डीमोनेटाइजेशन हुआ, पैसे आपके चेंज हुए, उसके बाद फिर कोविड आता है, और फिर आपका क्या होता है, इकोनॉमिकली आपका काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। ये सबके साथ हुआ, पूरे वर्ल्ड ने फेस किया है ये जो कोविड की वजह से जो नुकसान हुआ है। तो ऐसी अगर कोई फेमाइन आती है, ऐसी कोई बीमारी महामारी आती है, तो आपका तो वैसा ही पूरा खजाना चला जाता है, क्योंकि आपको लोगों को भी संभालना पड़ता है अपने राज्य के। तो लेटर क्या होता है, बाद में सुल्तान लॉन्च करते हैं एक स्कीम, इतना होने के बाद ये एक स्कीम लॉन्च करते हैं बाय विच तक्कवी लोन्स। तो नाम क्या रखा था, तक्कवी। अगर तक्कवी टर्म्स आया, पूछा कि किससे रिलेटेड था, तो ये लोन से रिलेटेड था, ये लोन के बारे में था, तक्कवी लोन फॉर कल्टीवेशन। अब इन्होंने एक और नई स्कीम बनाई फेमाइन के बाद कि जिसको भी कल्टीवेशन करना है, खेती करनी है, वो हमसे लोन लेंगे। वर गिवन टू फार्मर्स टू बाय सीड्स एंड टू एक्सटेंड कल्टीवेशन। तो ये फार्मर्स को दिया कि वो पैसा हमसे लोन ले, जिसको तक्कवी बोलते थे, तक्कवी लोन ले, और उस लोन से ये क्या करे, बीज खरीदे, यानी कि सीड खरीदे, और उस सीड से जो है अपना कल्टीवेशन और फैलाए, यानी कि अपना एग्रीकल्चर और जो खेती का जरिया है इनका, उसको और एक्सपेंड करें। इन्होंने इस्टेब्लिश किया एक सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली सल्तनत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस किए थे। वैसे ही अलाउद्दीन खिलजी भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, उन्होंने भी काफ़ी मार्केट रिफॉर्म्स किए थे, तो आपको वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया था एग्रीकल्चर करने के लिए, जिसका नाम था दीवाने कोही। ये यूपीएससी का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह चुका है, ठीक है। तो दीवाने कोही किससे रिलेटेड है, सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर, किसके टाइम पीरियड में, मोहम्मद बिन तुगलक के, अलॉन्ग विद लैंड टैक्सेस। तो लैंड के टैक्सेस के साथ धीमिस, जो कि नॉन मुस्लिम्स पर, वर रिक्वायर्ड टू पे क्रॉप टैक्सेस। देखिए, इन्होंने क्या किया, लैंड टैक्सेस तो इन्होंने लगाए ही लगाए, साथ साथ इन्होंने धीमिस, हम किसे बोलते थे, नॉन मुस्लिम्स, ऑब्वियसली फिर हिंदू, जैन, बुद्ध, जो भी उस टाइम पे थे रिलीजन्स, उनके बारे में बात हो रही है कि इन्होंने उन पे टैक्स लगाए जिनको हम धीमिस बोलते हैं। तो धीमिस टर्म किसके लिए है, फॉर नॉन मुस्लिम्स पर्संस, ठीक है, जिनको रिक्वायर इन्होंने कहा था कि वो क्या है, क्रॉप टैक्स पे करेंगे, यानी कि आपकी जितनी भी खेती हो रही है, आप उस खेती का कुछ परसेंटेज जो टैक्स है वो आप हमें पे करोगे, बाय गिविंग अप हाफ और मोर ऑफ देयर हार्वेस्टेड क्रॉप। तो इन्होंने टैक्स के बदले पैसा नहीं मांगा, इन्होंने उनके टैक्स के बदले, अब उनकी जो पूरी खेती हो रही है, अगर आप उनको लोन दे रहे हो, तो उस लोन के बदले वो आपसे टैक्स लेंगे। जिस लोन का नाम क्या था, लोन का नाम था तक्कवी लोन। तो उस तक्कवी लोन को अगर इन्होंने लोगों को दिया, यानी कि मान लो कि एक राजा है, उन्होंने मेरे को तक्कवी लोन दिया, यानी कि सीड्स खरीदने के लिए, अब मैंने उस सीड से लेके खेती करी, अपना जो कल्टीवेशन है बढ़ाया, अब कोई लोन देता है तो हमसे टैक्स भी लेता है, तो ये टैक्स के बदले क्या लेते थे, ये टैक्स के बदले या तो ये मेरी आधी खेती लेते या उससे ज़्यादा लेते, ठीक है। तो ये हमारा जो उपजाऊ, जो हम क्रॉप उगा रहे हैं, जो भी हम खेती कर रहे हैं, उसका ये आधा जो अनाज है, ये टैक्स के तौर पर लेने लग गए थे। ये इनकी डिमांड थी किससे, सिर्फ और सिर्फ नॉन मुस्लिम्स से। और दीज शार्पली higher crop and land taxes led entire villages of Hindu farmers to quit farming, quit करने के लिए farm को, and escape into jungles. ये जो चीज़ इन्होंने करी, ये इनके लिए ही बहुत उल्टी पड़ गई। अब तक तो आपको अगर टैक्स के चक्कर में आप एक चौथाई हिस्सा मांग लेते ना यार, आप आधा और उससे ज़्यादा मांग रहे हो। तो शार्पली हुआ क्या, जो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो क्रॉप उपजाऊ करते थे, खेती करते थे, वो हिंदू फार्मर्स थे, ठीक है, और उन पे आप लैंड टैक्स भी लगा रहे हो, आप क्रॉप टैक्स भी लगा रहे हो। तो पूरे विलेज जो था हिंदू फार्मर का, उन्होंने क्या किया, उन्होंने खेती करना ही छोड़ दिया और वो जंगल की तरफ चले गए, और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया ग्रो करने के लिए एनीथिंग फॉर वर्क एट ऑल। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि अब हम आप लोगों के लिए काम नहीं करेंगे, हम आपके लिए खेती ही नहीं करेंगे, हम अपना सब कुछ छोड़ के जंगल की तरफ जा रहे हैं। तो इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक रिजल्टेड इन अ कोलैप्स इकॉनमी। इरादे इसके अच्छे थे, बट कहीं ना कहीं जो इसने स्कीम बनाई, फेमाइन आया, वो इसके लिए बहुत ज़्यादा, इसके जो राज था उसको गिराने में बहुत ज़्यादा
कामगर रहा, यानी कि कह सकते हैं कि इसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। एंड नियरली अ डिकेड अलॉन्ग, एक डिकेड यानी कि कुछ 10 साल के आसपास, फेमाइन फॉलोड एंड दैट किल्ड न्यूमेरस पीपल इन द कंट्री साइड। फिर एक 10 साल के अंदर अंदर एक डिकेडेबल यानी कि एक डिकेड का मान सकते हो कि काफ़ी बड़ा फेमाइन आता है जिसने काफ़ी लोगों को उस टाइम पर मारा पूरी कंट्री में। 1327 में ही बिल्ट द फोर्थ सिटी ऑफ दिल्ली। तो फोर्थ सिटी ऑफ दिल्ली किसने इस्टेब्लिश करी, जहाँ पन्हा, विच वॉज बिल्ट एंड क्लोजिंग द देन इनहेबिटेड एरिया बिटवीन किला राय पिथौरा एंड सीरी। तो इन्होंने एक फोर्थ सिटी बनाई जिसका नाम था जहाँ पन्हा, ठीक है। इब्न बतूता, हमने फॉरेन ट्रैवलर्स के टाइम पे इनके बारे में पढ़ा था, इब्न बतूता के बारे में, तो आप सबको इनका पता होगा कि इब्न बतूता कौन है। ये एक फॉरेन ट्रैवलर है, मोरक्को के फॉरेन ट्रैवलर हैं, जो कि इंडिया आए थे किसके रीज़न में, मोहम्मद बिन तुगलक के। इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि जो फॉरेन ट्रैवलर है इब्न बतूता, ये किसके टाइम पीरियड में आए थे, तो ही केम इन द टाइम पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। ही एक्टेड एज द चीफ काजी, तो उन्होंने चीफ काजी की उसमें एक्ट किया ऑफ द सल्तनत में, इब्न बतूता ने 6 साल तक ये तुगलक डायनेस्टी में थे। ही रोट द बुक रिहाला, तो रिहाला बुक किसने लिखी है क्वेश्चन आया, तो आप क्या बताओगे, इब्न बतूता ने लिखी है रिहाला बुक। इब्न बतूता केम टू इंडिया कब आए थे, 1334 में, एंड लेफ्ट एक्सपेंसिव नोट्स, उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा तुगलक डायनेस्टी के बारे में और वो ये यहाँ पे छोड़ के गए। तो मोहम्मद बिन तुगलक डाइड, ये मर जाते हैं 1351 में, हाँ, ऑन हिज वे टू थाता सिंध, वाइल ही वॉज कैंपेनिंग इन सिंध अगेंस्ट तागी एंड अ तुर्किक स्लेव ट्राइब। तो मतलब ये किसी रास्ते में जा रहे होते हैं कैंपेन करने के लिए इन जगहों पे, तो वहाँ पर ये मर जाते हैं। तो आपको ज़्यादा इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, बस इनका जो टाइम पीरियड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है तुगलक डायनेस्टी के, ठीक है। ये कुछ रूलर्स का मैंने आपको चार्ट दे दिया है नेट से डाउनलोड करके, तो ये चीज़ जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि गियासुद्दीन तुगलक की अगर हम बात करें, जस्ट अ सेकेंड दोस्तों, खुद शाह तुगलक पे, ठीक है। तो इनका टाइम पीरियड होता है 1351 से लेके 1388 तक। किसकी बात चल रही है, फिरोज शाह तुगलक की। अभी मैं आपको फिर से रिवाइज़ करा देती हूँ कि पहले कौन से थे हमारे, पहले थे हमारे लिए गियासुद्दीन तुगलक, उसके बाद आए थे मोहम्मद बिन तुगलक, और फिर आए हैं फिरोज शाह तुगलक। फिर अब पढ़ते हैं हम इनके बारे में। तो 1351 AD में क्या होता है, फिरोज शाह तुगलक वॉज द सन ऑफ गियासुद्दीन तुगलक। ये भी गियासुद्दीन तुगलक के ही बेटे होते हैं, यंगर ब्रदर होते हैं ये, वेट अ मिनट, हाँ, वॉज द सन ऑफ गियासुद्दीन तुगलक यंगर ब्रदर, यानी कि गियासुद्दीन तुगलक के जो छोटे भाई होते हैं फिरोज शाह तुगलक, उनके बेटे होते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के अंकल बोल सकते हो, या बड़े पापा फादर टाइप बोल सकते हो, कि गियासुद्दीन तुगलक उनके फादर से बड़े थे, बड़े भाई थे। तो ही सक्सीडेड द थ्रोन, उन्होंने सक्सीड किया थ्रोन किसके बाद, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद। ही वॉज ऑफ तुर्को इंडियन ओरिजन, तो ये तुर्को इंडियन ओरिजन के थे, क्योंकि भले ही पहले वाले तो तुर्क से आए थे लेकिन इंडिया में रहने लग गए ना ये, तो इसलिए इनको बोला गया, क्योंकि उन्होंने जो है इंडिया से ही, इंडिया में ही शादी करी थी, और इसलिए इनका जो ओरिजन है हम तुर्क इंडियन ओरिजन बोलते हैं, ठीक है। मैं पेन मोटा कर लेती हूँ। एज हिज मदर वॉज अ हिंदू प्रिंसेस थी, इसलिए ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी कॉल्ड, तो किसने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था फुतुहत ए फिरोज शाही। तो फुतुहत ए फिरोज शाही रिटर्न बाय फिरोज शाह तुगलक, जो कि इनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी थी, ठीक है। फिरोज शाह वॉज मेजरली डिपेंडेंट ऑन हिज कमांडर मलिक मकबूल, तो इनके कमांडर थे मलिक मकबूल, ये पूरे इन पे डिपेंडेंट थे। हु एक्सेप्टेड इस्लाम आफ्टर ही वॉज अरेस्टेड, इन्होंने इस्लाम, मतलब मलिक मकबूल जो है इनको अरेस्ट किया गया था, तो इन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया था। सुल्तान यूज टू कॉल हिम खाने जहाँ, तो जो सुल्तान थे इनको बोलते थे मलिक मकबूल को खाने जहाँ, तो खाने जहाँ किसे बोला गया है, मलिक मकबूल को, विच मीन्ड रियल रूलर, ठीक है, नहीं सॉरी, सुल्तान को उस टाइम पे क्या कहा जाता था, सुल्तान को उस टाइम कहा जाता था खाने जहाँ, ठीक है। मलिक एक्टेड एज अ रूलर, तो मलिक जो है एज अ रूलर क्या कहते हैं एक्ट करते थे। वैन फिरोज शाह वेंट ऑन एक्सपेडिशन, तो जब फिरोज शाह जब किसी काम से जाते थे या कहीं वॉर लड़ने जाते थे, तो उनकी गद्दी को कौन संभालता था, मलिक, और इसलिए सुल्तान ने उनको क्या बोला था, खाने जहाँ, ठीक है। ही बेयर्ड द मुस्लिम फैमिलीज, इन्होंने मुस्लिम फैमिलीज को बेयर्ड किया फ्रॉम गोइंग आउट टू प्रे एट द ग्रेव्स ऑफ होली पीपल, तो जो मुस्लिम फीमेल्स हुआ करती थी ना, मतलब कि जैसे मेल्स को तो अलाउ था कि आप जाके ग्रेव्स जो होती थी इनका मौसी की मस्जिद, वहाँ प्रे कर सकते हो, नमाज पढ़ सकते हो, लेकिन इन्होंने जो है क्या किया, मुस्लिम जो फीमेल थी उनको उन्होंने रोका,
ही इज़ सेड टू हैव मिसट्रीटेड वेरियस मुस्लिम ग्रुप्स। तो कहा जाता है कि इन्होंने काफ़ी मिसट्रीट किया बहुत सारे मुस्लिम ग्रुप के साथ, विच वर व्यूड एज अनऑर्थोडॉक्स। अनऑर्थोडॉक्स का मतलब अपरंपरागत, परंपरा के हिसाब से नहीं। अगर आप मुस्लिम हो तो आप पूरे मुस्लिम रिलीजन की रिस्पेक्ट करो, ये नहीं कि आप उसमें भी आप कास्ट देखो कि अच्छा मुस्लिम है तो इसमें अपर कास्ट कौन सी है, लोअर कास्ट कौन सी है, अपर कास्ट है तो अच्छा है और उसमें अगर फीमेल है तो उनके साथ हम बायस्ड होंगे, हम उनको बाहर जाके नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं देंगे, और लोअर कास्ट है तो उनके साथ हम मिसट्रीट करेंगे, उनको एज अ हम अपने स्लेव ट्रीट करेंगे, बाय दी स्कॉलर्स ऐसा कहा गया है। ही डिस्ट्रॉय मैनी हिंदू टेम्पल्स, काफ़ी हिंदू टेम्पल्स इन्होंने डिस्ट्रॉय करे, इनकी जो बुक्स और लिटरेचर हैं इन्होंने वो भी काफ़ी हिंदू जो हिंदू के टेम्पल्स उनकी बुक्स लिटरेचर जो आज हमें इतिहास पढ़ने में हेल्पफुल हो सकती थी ये इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। और द इस्लामिक लिटरेचर वॉज ट्रांसलेटेड टू आइदर संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज। तो किस टाइम पीरियड में इस्लामिक लिटरेचर को संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था, तो डेट वॉज द पीरियड ऑफ तुगलक डायनेस्टी इन द रूलर ऑफ, मतलब उस टाइम पर रूलर कौन थे, फिरोज शाह तुगलक। तो इन्होंने ट्राई किया रीगेन करने का ओल्ड किंगडम जो बिखर गया था बाउंड्री बाय वेजिंग अ वॉर विद बंगाल। बंगाल के साथ इन्होंने फिर 11 महीने तक इन्होंने लड़ाई करी, कब 1359 में। हाउ एवर बंगाल डिडंट फॉल, तो बंगाल इनसे नहीं जीत पाए, ये नहीं जीता जीत पाए, उसको हरा नहीं पाए एंड रिमेंड आउटसाइड ऑफ द दिल्ली सल्तनत, और ये दिल्ली सल्तनत से बाहर हो गए। सिमिलरली मतलब बंगाल जो है दिल्ली सल्तनत के अंडर नहीं आ पाया 11 महीने की वॉर के बाद भी। सिमिलरली क्या होता है, मालवा और गुजरात ऑल्सो ब्रोक अवे। लो अब जो इनके मान सकते हो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इतनी मेहनत करके, गियासुद्दीन तुगलक ने इतनी मेहनत करके जो अपना एरिया बढ़ाया था वो इन्होंने फिर खो दिया। बंगाल भी नहीं अपना पाए, मालवा गुजरात भी नहीं ले पाए एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। मालवा और गुजरात ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। 1360 में क्या होता है, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम दी बंगाल कैंपेन ही रेडिड उड़ीसा। अब ये उड़ीसा पे भी रेड करते हैं बंगाल कैंपेन में। ही ऑक्यूपाइड द कैपिटल, तो ये कैपिटल ऑक्यूपाई करते हैं और मैसेकर होता है पीपल का वहाँ पे एंड डिसक्रिएटेड करते हैं जगन्नाथ टेम्पल। अब देखिए अभी क्या करते हैं, जब ये बंगाल के कैंपेन में जाते हैं तो ये उड़ीसा पे भी रेड मारते हैं, तो वहाँ पर उनकी कैपिटल को ऑक्यूपाई करने के बाद कि वहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा मारपीट करते हैं, लोगों का बहुत ज़्यादा खून खराबा करते हैं, डिससेक्रेटेड करते हैं और वहाँ पे जो जगन्नाथ टेम्पल होता है उसको भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं और काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं वहाँ पर जाके ये। तो दिस जो इसकी वजह से क्या हुआ, वीक हो गया उड़ीसा का जो रूलिंग डायनेस्टी थी। बट लेटर द गजापति डायनेस्टी जो उड़ीसा में उस वक्त आई केम टू पावर इन उड़ीसा और एक्सटेंड किया इट्स रूल साउथवर्ड्स टिल कर्नाटक विच ब्रॉट देम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद विजयनगर। अब क्या हुआ, इन्होंने वीक कर दिया उड़ीसा को रूलिंग डायनेस्टी को, बट लेटर क्या हुआ गजपति डायनेस्टी पावर में आती है उड़ीसा में और वो जो है गजपति डायनेस्टी या गजापति डायनेस्टी वो अपने आप को एक्सटेंड करती है कहाँ तक, साउथ तक, कहाँ तक, कर्नाटक तक। किसके टाइम पे, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे एक नई डायनेस्टी आती है गजपत डायनेस्टी उड़ीसा में, वो एक्सटेंड करती है अपने आप को कर्नाटक तक। और फिर वो जो है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं किसके साथ, विजयनगर एम्पायर, जो कि हम पढ़ेंगे ठीक है इसके बाद, हम जो दिल्ली सल्तनत कंप्लीट होने के बाद हम विजयनगर एम्पायर, भक्ति मूवमेंट ये सभी करने वाले हैं और लास्ट में हम मुगल डायनेस्टी पढ़ेंगे जिसके बाद हमारी मॉडर्न डायनेस्टी स्टार्ट होती है। ही अपॉइंटेड खाने जहां, तो फिरोज शाह तुगलक जो है अपॉइंट करते हैं खाने जहां मकबाल को, और तेलुगु ब्राह्मण होते हैं ये खाने जहां मकबाल, जो कि एक तेलुगु ब्राह्मण होते हैं, कन्वर्ट करते हैं इनको एज अ वजीर ठीक है ऑफ हिज किंगडम। वजीर को हम प्राइम मिनिस्टर बोलते थे उस टाइम पे, अगर एग्जाम में आया कि वजीर को मिडिवल इंडिया में क्या कहा जाता था तो प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था। आप जानते हैं पाकिस्तान में भी पीएम को वजीर आला बोला जाता है, कि यानी कि हमारे वजीर हैं, हमारे आका हैं, यानी कि हमसे काफ़ी बड़े हैं और हमें, हम पे ये रूल करेंगे। तो खाने जहां मकबल एक तेलुगु ब्राह्मण थे, इन्होंने अपॉइंट किया था एज अ वजीर उनको अपने किंगडम का, हेल्प करने के लिए डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब कि अपनी सत्ता चलाने के लिए हेल्प करने के लिए इन्होंने एक तेलुगु ब्राह्मण को अपॉइंट किया एज अ वजीर। तो खाने जहां किसने अपॉइंट किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। ही फॉलोड द एडवाइस ऑफ उलेमास, तो इन्होंने एडवाइस किसकी फॉलो करी, उलेमास की, रिलीजियस क्लेरिक्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो उलेमास की एडवाइस से भी ये चले काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि एक रिलीजियस होते थे, मतलब कि आपके पास एक पंडित है मान लीजिए, एक रिलीजियस पर्सन आपने बिठा रखा है अपने एडमिनिस्ट्रेशन में एडवाइस देने के लिए, आपने वजीर बिठाया खाने जहां तेलुगु ब्राह्मण, उनसे भी आपने एडवाइस ली अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, क्योंकि इन्हें पता है मोहम्मद बिन तुगलक ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया था अपने हिसाब से चला के पॉलिसीज़ बना के। तो इसने अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी इंपॉर्टेंस दी जो किसी ना किसी फील्ड में एक्सपर्ट्स थे। इम्पोज करते हैं सरिया रूल,
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिवल हिस्ट्री के लिए, कि सरिया रूल जो है ये कौन इम्पोज करता है स्ट्रिक्टली थ्रू आउट द रियलम. तो बहुत स्ट्रिक्टली ये रूल इम्पोज करते हैं अपने एरिया में सरिया रूल. और जजिया टैक्स जो कि एक प्रोटेक्शन टैक्स होता है वॉज इम्पोज ऑन सिर्फ नॉन मुस्लिम्स पे इन्होंने टैक्स लगाए ज़्यादातर. ठीक है, बिफोर दिस जजिया वैन एवर इम्पोज बाय अर्लीस्ट सुल्तान डिडंट अप्लाई टू ब्राह्मण्स. तो हुआ क्या था, इससे पहले जितने भी सुल्तान्स ने जजिया जो टैक्स है ये लगाया था तो वो ब्राह्मण्स पे अप्लाई नहीं होता था, बट नाउ दे वर ब्रॉट अंडर इट. लेकिन इन्होंने क्या किया, फिरोज शाह तुगलक ने, अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया कि किस सुल्तान ने, किस रूलर ने जजिया टैक्स इम्पोज किया था नॉन मुस्लिम पे और इन्होंने ब्राह्मण्स पे भी जजिया टैक्स लगाया था, तो वो थे फिरोज शाह तुगलक. क्योंकि इससे पहले जो भी जजिया टैक्स लगाए गए थे वो ब्राह्मण्स के ऊपर नहीं लगाए गए थे. ठीक है, सिया सूफीज हिंदूज वर परसिक्यूटेड एंड ट्रीटेड एज अ लेसर सिटीजन. देखिए, इन्होंने सरिया रूल लगाया तो ये सिर्फ सुन्नी, समझते, मुस्लिम्स भी जो हैं सिया और सुन्नी में डिवाइडेड हो गए थे इनके टाइम पे, क्योंकि ये मुस्लिम्स में भी छोटे मुस्लिम बड़े मुस्लिम का इन्होंने डिवाइड कर दिया था. तो टारगेट इन्होंने किसको बनाया, सियाज को, जो कि मुस्लिम ही थे. सूफीज हिंदूज इनको इन्होंने काफ़ी ज़्यादा परसिक्यूट किया. परसिक्यूट करने का मतलब है इनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, एज अ लेसर सिटीजन, अपना सिटीजन नहीं मानते थे, एज अ इलिटरेट इनके साथ बिहेव करते थे. और ही स्टॉप्ड ऑल हार्श एंड बार्बरिक टॉर्चर गिवन एज पनिशमेंट प्रीवियसली. तो जो बहुत ज़्यादा टॉर्चर और हार्शली जो तुगलक डायनेस्टी में पनिशमेंट दिए जाते थे पहले, वो इन्होंने स्टॉप किया. ये चीज़ इन्होंने अच्छी करी नॉन मुस्लिम्स के लिए. ही रिवाइव्ड द एकता सिस्टम. अगेन ये एकता सिस्टम रिवाइव करते हैं. अब आप मुझे बताएंगे कि एकता सिस्टम सबसे पहले कौन लेकर आया था और इसको एंड किसने किया था और दोबारा किसने रिवाइव किया. तो दोबारा रिवाइव किया फिरोज शाह तुगलक ने एंड मेड इट हेरिडेटरी, और एकता सिस्टम को हेरिडेटरी इन्होंने बना दिया. ही इम्पोज्ड इरीगेशन टैक्स. अब ये इरीगेशन टैक्स भी इम्पोज करते हैं पहली बार और डेवलप करते हैं इरीगेशन नेटवर्क, रिजर्वियर, वेल, कनाल्स. तो पहला रूलर दिल्ली सल्तनत का जिसने इरीगेशन टैक्स इम्पोज करने के साथ साथ पहली बार, ठीक है, डेवलप किया इरीगेशन नेटवर्क, कि आप खेती कैसे करेंगे, सिंचाई कैसे करेंगे, उसका पानी कैसे आएगा, वो इन्होंने नेटवर्क बनाया, रिजर्वियर्स बनाए, कुएं बनाए, कैनाल्स बनाए. तो ये किसने किया, फिरोज शाह तुगलक ने. ये एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से. ही एनकरेज्ड हॉर्टिकल्चर एज वेल. इन्होंने हॉर्टिकल्चर को भी बहुत ज़्यादा किया कि अरे आप खेती नहीं करोगे, सब्जी फल वगैरह नहीं उगाओगे, तो ये भी कहीं ना कहीं डेली लाइफ का बहुत बड़ा रूटीन हमारा बोले कि डेली लाइफ में यूज़फुल होता है. देयर वर रॉयल फैक्ट्रीज, काफ़ी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाई और कारखानाज बनाए. वर थाउजेंड्स ऑफ स्लेव्स वर एम्प्लॉयड. तो क्या कि इन्होंने स्लेव्स को भी, यानी इन्हीं को आप स्लेव्स बोल सकते हो, ठीक है, तो इनको इन्होंने यहाँ पर रखा एज एम्प्लॉयड, कारखानाज बनाए. ही हैड अ लार्ज नंबर ऑफ स्लेव कैप्ट इन द दीवान ए बंदगनी. तो दीवान ए बंदगनी किसने, किसके टाइम पे था, तो दीवान ए बंदगनी यानी बंदगनी से आप समझ सकते हो बंदुआ, यानी कि स्लेव्स, ठीक है. तो ये किसके टाइम पे थे, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे. देयर वॉज अ दीवान ए खैरात. अब खैरात आप समझ रहे हैं, टू टेक केयर ऑफ ऑर्फन्स एंड विडोज. खैरात का मतलब अगर आप बोल सकते हैं कि आप फ्री में उन्हें चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हो, उनके वेलफेयर के लिए आप प्रोवाइड करा रहे हो, तो आप किसको दोगे, या तो कोई विडो यानी कोई विधवा होगी, या फिर ऑर्फन यानी कि किसी अनाथ को ही आप कोई खैरात, मतलब आप खैरात थोड़ा वैसा वर्ड होता है, लेकिन आप फ्री में उनके वेलफेयर के लिए, उनके रहने सहने के लिए, उनके खाने पीने के लिए देते हो. तो दीवान ए खैरात जो एक टर्म आया था, या जो बोल सकते हैं कि एक इन्होंने ऑफिस बनाया दीवान ए खैरात, तो वो किसको बनाया, किसके लिए, ऑर्फन्स और विडोज के लिए, ठीक है. He developed free hospitals. इन्होंने free hospitals बनाए, marriage free hospitals and marriage bureaus for poor Muslims. जो गरीब मुस्लिम्स थे उनके लिए मतलब hospitals बनाए जिसमें free में इनका इलाज होगा, marriage bureaus उनकी शादी कराने के लिए free में सब कुछ करवाया इन्होंने. The Kotwals were ordered to make list of unemployed peoples. अब कोटवाल्स जो थे उस टाइम पे क्या करते थे, इनको ऑर्डर दिया जाता था कि अनएम्प्लॉयड पीपल्स को लिस्ट बनाए और प्रोवाइडेड डाउरीज फॉर द डॉटर फॉर द पुअर. अब इन्होंने एक कोटवाल, एक और ऑफिस यानी कि एक अपॉइंटमेंट कह सकते हैं, इन्होंने कोटवाल्स अपॉइंट किए जिनको इन्होंने ऑर्डर दिया कि लिस्ट बनाओ अनएम्प्लॉयड लोगों की, यानी कि जो बेरोजगार हैं उन लोगों की लिस्ट बनाओ और उनको डाउरी यानी जो बेटी उनकी बेटियाँ हैं उनकी शादी के लिए जो पैसे दे देते हैं, दहेज देते हैं, वो ये प्रोवाइड करवाते थे. हालांकि दहेज को नहीं देना चाहिए, बट ठीक है, पेरेंट्स के लिए हेल्प होती है, पैसे मिलते हैं अगर उनको, तो ये इन्होंने करा था. तो कोतवाल टर्म आपको याद रखना है, मैं सारे टर्म्स आपको बताऊंगी जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ये इस्टेब्लिश करते हैं न्यू टाउन जिसका नाम है
फिरोज़ाबाद विच वॉज़ द फिफ्थ सिटी ऑफ दिल्ली। तो ये इस्टेब्लिश करते हैं एक नया टाउन जिसको हम बोलते हैं फिरोज़ाबाद। तो फिरोज़ाबाद कौन इस्टेब्लिश करता है? फिरोज शाह तुगलक, नाम याद रहेगा। विच वॉज द फिफ्थ सिटी ऑफ दिल्ली, आपको फिफ्थ सिटी, फोर्थ सिटी, सेवन्थ सिटी सब याद रखना है, विच इज़ नाउ नोन एज फिरोज शाह कोतला। तो आज हम फिरोज़ाबाद को फिरोज शाह कोतला के नाम से जानते हैं, जो कि दिल्ली में फिफ्थ सिटी उन्होंने इस्टेब्लिश करी थी। ही रिपेयर्ड कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार को इन्होंने रिपेयर करवाया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। विच वॉज स्ट्रक बाय लाइटनिंग, लाइटनिंग होने की वजह से उनका जो ऊपरी मंजिल है वो गिर गई थी। ही ब्रॉट टू अशोकन पिलर्स, दो अशोकन पिलर्स को इन्होंने खरीदा जिसका नाम था तोपरा अम्बाला में, एंड मीरट एंड इरेक्टेड दैम इन फिरोज़ाबाद। लेकिन उन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्रॉट यानी कि खरीद लिए दो अशोकन पिलर जो कि तोपरा अम्बाला में थे और मीरट में, और उनको इरेक्ट करके तोड़ के इन्होंने क्या बनाया? फिरोज़ाबाद। ही बिल्ट मैनी मॉसिक टॉम्स एंड गार्डन्स, हिंदू की सारी चीज़ें उन्होंने नष्ट कर दी और फिर उन्होंने अपनी मुस्लिम की रिलीजन के लिए हर चीज़ बनाई जो कि मॉसिक टॉम्स और गार्डन्स। ठीक है, उन उस हिसाब से इनको जो सही लगा वो इन्होंने किया, बट ये गलत था कि आप दूसरे रिलीजन के लिए आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो, आप अपना बना सकते थे क्योंकि उस टाइम पे आपका राज चल रहा था। डन। सिटीज़ ऑफ, और ये सिर्फ मैं पढ़ाने के लिए समझा रही हूँ, कोई भी इस पर पर्सनली नहीं जाना प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हमारे लिए कुछ भी मैटर नहीं करता, हमको सिर्फ हिस्ट्री पढ़नी है कि हिस्ट्री में क्या हुआ। सिटीज़ ऑफ दिल्ली टिल नाउ, अगर हम उस टाइम की सिटीज़ की बात करें दिल्ली की, अब जो है वो, तो 1000 से लेके 1060 तक लाल कोट फाउंडेड बाय, किसके बाद, किसके द्वारा फाउंड किया गया था लाल कोट? बाय अंगपाल सेकंड ने लाल कोट को फाउंड किया था। दिल्ली की सिटीज़ की हम बात कर रहे हैं। 1303 में सीरी फाउंड करी गई थी बाय अलाउद्दीन खिलजी, मैंने ही पढ़ा दिया है। 1321 में तुगलकाबाद को फाउंड किया गया बाय गियासुद्दीन तुगलक, और जहाँ पना फाउंड किया गया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, और 1354 में फिरोज़ाबाद बाय फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह डिडंट मेक एनी अटैम्प्ट टू एक्सपेंड द टेरिटरी, इसने अपनी टेरिटरी एक्सपेंड करने के लिए कोई अटैम्प्ट नहीं किया, बट रैदर लॉस्ट मैनी रीजन्स टू इंडिपेंडेंट किंगडम्स, काफ़ी जो इसके टाइम पे जो किंगडम्स हुआ करते थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था, लेकिन इन्होंने अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए कुछ नए स्टेप्स नहीं लिए थे। इसके जो एल्डेस्ट सन थे, बड़े बेटे थे फतेह खान, वो मर जाते हैं इन 1376 में। फिरोज शाह देन एबडिकेटेड इन अगस्त इन 1387 एंड मेड हिज अदर सन प्रिंस। मतलब होता क्या है, इनके जो बड़े बेटे हैं वो 1376 में मर जाते हैं, फिर ये 1387 में अपने छोटे बेटे यानी दूसरे बेटे को प्रिंस बनाते हैं, यानी जो प्रिंस मोहम्मद होते हैं उनको किंग बना देते हैं। अ स्लेव रेबिलियन फोर्स्ड हिम टू कन्फर द रॉयल टाइटल टू हिज ग्रैंड सन तुगलक खान। अब होता क्या है कि तुगलक खान के जो स्लेव होते हैं, जो वो रेवेल कर देते हैं कि नहीं, आप अपने दूसरे बेटे को मत बनाइए, आप अपने ग्रैंड सन को जो है रॉयल बनाइए, यानी कि रॉयल टाइटल दीजिए, उन्हें बनाइए तुगलक खान। ठीक है, फिरोज शाह डाइड इन 1388 एंड वॉज बरिड इन हौज खास। तो इनको कहाँ बरिड किया गया था, कहाँ इनकी लाश को वो किया गया था? तो हौज खास में। आफ्टर हिज डेथ स्ट्रगल बिटवीन नोबल्स, तो स्ट्रगल चला नोबल्स में, और द सुल्तान्स ब्रोक एंड हिज फर्दर वीकेंड द सल्तनत। तो यहाँ पे इनके जो है ऑलमोस्ट कह सकती हूँ कि आप फिरोज शाह तुगलक के बाद जो सल्तनत डिक्लाइन हुआ बहुत बुरी तरीके से। और तुगलक खान जो एज्यूम्ड करते हैं पावर, बट ये मर जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट में। इन 1389 अब्दुल बकर शाह अज्यूम करते हैं पावर, बट ही टू डाइड विद इन अ ईयर। तो एक एक डेढ़ डेढ़ साल में इन दोनों की डेथ हो जाती है कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई करने में, और जो सिविल वार कंटिन्यू रहती है अंडर सल्तनत सुल्तान मोहम्मद शाह में बाय 1390 इट हैड लेड, मतलब ये बन नहीं पाते जो मोहम्मद शाह होते हैं, ये सुल्तान बन ही नहीं पाते हैं। ठीक है, क्योंकि सिविल वॉर, इनको जो वहाँ की जनता थी वो नहीं चाहती थी कि ये वहाँ के सुल्तान बने। इट हैड लेड टू अ सीजर एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल मुस्लिम नोबेलिटी। तो उन्होंने सीज कर लिया, एग्जीक्यूट कर लिया जो इनके नॉवल्स थे इनके कोर्ट में दिल्ली सल्तनत में, और दी सल्तनत स्टार्टिंग डिसइंटीग्रेटेड विद न्यूमेरस रेवेलियंस, काफ़ी रेवल्स हो गए, काफ़ी विद्रोह खड़े हो गए, एंड स्मॉलर हिंदूज एंड मुस्लिम किंगडम्स जो है अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देती है। तो फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो फिरोज शाह तुगलक सराउंड करते हैं यानी घेरते हैं बंगाल को इन 1353 में और 1359 में। ये सीज करते हैं जयनगर को, ये डिवास्टेटेड करते हैं जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा एट पुरी। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के अचीवमेंट्स के बारे में हमने पढ़ना होगा, इम्पॉर्टेंट है इनके अचीवमेंट्स को देखें अगर। ठीक है, तो ही वर्कड मेजरली इन द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हम सबने पढ़ा, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, फ्री हॉस्पिटल्स बनाए, फ्री मैरिज ब्यूरोज बनाए लोगों के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें करी, उनके ऑर्फन्स के लिए अनाथ मतलब और
खैरात दीवाने खैरात बनाया इन्होंने विडोज़ के लिए, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रिवर कैनाल्स, रिजर्वियर, रेस्ट हाउसेज बनाए इन्होंने। तो ये कहीं ना कहीं इन्होंने वेलफेयर के लिए काफ़ी काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। ही इस्टेब्लिश एन ऑफिस फॉर पुअर्स दीवाने खैरात, ठीक है, और डिप्राइव इंडिविजुअल कॉल्ड दीवाने खैरात। ही इस्टेब्लिश डिपार्टमेंट दीवाने बुंदगन, ये मैंने बताया स्लेव्स के लिए इन्होंने बनाया था। और ही मेड द इक्तदारी फ्रेमवर्क हेरिडिटरी, यानी इक्ता सिस्टम को इन्होंने हेरिडिटरी बना दिया। ही इज़ नोन टू हैव स्टैब्लिश अ फोर न्यू टाउन्स, चार नए शहर इसने बनाए थे, फिरोज़ाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और हिसार जो है ये बनाए हुए हैं फिरोज शाह तुगलक के। ये इम्पोज करते हैं जजिया ऑन द ब्राह्मिन्स फॉर द फर्स्ट टाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। ये इस्टैब्लिश करते हैं सेवरल हॉस्पिटल्स कॉलिंग दैम एज दारुल शिफा, ये इनके हॉस्पिटल्स थे, ठीक है, बीमारस्तान और शिफा खाना। तो बीमारस्तान और शिफा खाना एक ही है, अब आप इन एक ही के नाम हैं, इन दिल्ली में शिफ्ट बनाते हैं। ये कंस्ट्रक्ट करते हैं वाटरवेज फॉर वाटरिंग सिस्टम फ्रॉम, मतलब वाटरवेज बनाते हैं ना, कैनाल्स, ये सब चीज़ें बनाते हैं, ये रिजर्वर्स बनाते हैं। तो यमुना से लेके ये हिसार तक बनाते हैं वाटर, पानी जाने का रास्ता। सतलज टू घग्गर बनाते हैं, देखिए कितना लंबा बनाते हैं सतलज से लेके घग्गर तक। द घग्गर टू फिरोज़ाबाद, मंडवी से लेके सिरमौर हिल्स टू हंसी इन हरियाणा, यानी कि मंडवी और सिरमौर हिल्स से लेके ये हंसी हरियाणा तक ये बनवाते हैं। तो ये चारों पांचों ही जो है, ये इनके पांचों के पांचों जो चार हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिरोज शाह जो है ब्रेथ लेते, अपनी लास्ट आखिरी सांस जो ये है ये अपनी 1388 तक लेते हैं। और तुगलक डायनेस्टी कुडंट फाइंड इट्स स्टैंड आफ्टर हिम, इनके मरने के बाद ये एक प्रॉपर स्टैंड या कोई प्रॉपर सुल्तान नहीं बन पाता है। ही वॉज द लास्ट नोन लीडर ऑफ द डायनेस्टी विच ओवरकम आफ्टर हिम। तो लास्ट मान ले अगर ग्रेटेस्ट रूलर कोई रहा है तो फिरोज शाह तुगलक रहा है। इंपॉर्टेंस बात करें फिरोज शाह तुगलक की मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में क्या रही है, तो फिरोज प्रूव्ड हिज प्रोमिनेंस बाय हिज जेनरस मेजर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द एफ्लुएंस ऑफ पीपल, लोगों के लिए उन्होंने बहुत काम किए थे। फतूहत ए फिरोज शाही, अब देखिए फतूहत ए फिरोज शाही जो है ये इनकी ऑटोबायोग्राफी थी और फिरोज शाह तुगलक इन्होंने खुद लिखी थी अपने बारे में। ही पेट्रोनाइज्ड स्कॉलर्स जियाउद्दीन बरनी, अब इनके टाइम पे जो स्कॉलर्स थे जिनको ये बहुत प्रेज करते थे, पेट्रोनाइज करते थे, जिनको ये दिल से मानते थे, वो थे जियाउद्दीन बरौनी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आगे भी मैं स्टार लगाऊंगी, ठीक है, एग्जाम के लिए। अब बात करेंगे, ये तुगलक डायनेस्टी का लास्ट स्लाइड है और ये वीडियो हम यहीं एंड करेंगे, इसके बाद फिर हम नहीं अब जो सैयद डायनेस्टी भी है। ड्यूरिंग हिज रीजन सेवरल संस्कृत बुक ऑन मेडिसिन साइंस और आर्ट्स वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, यानी संस्कृत और पर्शियन में, पता है हमको कि संस्कृत से पर्शियन लैंग्वेज में काफ़ी ट्रांसलेट्स हुई हैं बुक इनके टाइम पे, मेडिसिन को लेके, साइंस को लेके, आर्ट्स को लेके। और कुतुब फिरोज शाही एक बुक है विच डील्ड विद फिजिक्स। तो अगर पूछा जाए कि जो एक फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे फिजिक्स के एक बुक लिखी गई थी जो डील करती थी फिजिक्स से, उसका नाम क्या था, उसका नाम था कुतुब फिरोज शाही। आपको ये ध्यान रखना है, फिरोज से ही आप समझ जाओगे फिरोज शाही, जो कि फिरोज शाह तुगलक के टाइम का है। लेटर तुगलक्स की हम बात करें, जो इनके सक्सेसर्स मान सकते हो, घियासुद्दीन तुगलक शाह सेकंड, अबू अकबर शाह, नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, तो ये इनके बाद के सक्सेसर्स थे जो जिनका कोई इतिहास में खास रोल नहीं प्ले किया इन्होंने। एंड ऑफ तुगलक डायनेस्टी हम देखें तो दी सक्सेसर ऑफ फिरोज वर नॉट वेरी स्ट्रांग, तो जो सक्सेसर्स थे फिरोज़ के वो बहुत स्ट्रांग नहीं थे और कॉम्पिटेंट नहीं थे। अगर हम बात करें तो नॉट वेरी स्ट्रांग और कॉम्पिटेंट, काफ़ी अच्छे नहीं थे। रूलर स्ट्रांग होने चाहिए तभी आप अपना एरिया बचा पाते हो और जो अपना एम्पायर है आपका, जो दिल्ली सल्तनत था, उसको डिसइंटीग्रेट करने से रोक सकते हो। लेकिन अगर रूलर्स ही वीक होंगे तो वो बहुत ईजिली डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे और अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देंगे, और वही हुआ था उस टाइम पे। बाय द एंड ऑफ 14th सेंचुरी ख़त्म होते होते क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द टेरिटरीज बिकम इंडिपेंडेंट, ठीक है, ओनली पंजाब एंड दिल्ली रिमेंड अंडर द तुगलक डायनेस्टी। तिमूर इन्वेजन टू प्लेस ड्यूरिंग द तुगलक पीरियड, तो तुगलक पीरियड के टाइम पे किसका इन्वेजन हुआ, तिमूर्स का इन्वेजन हुआ। अगर अब मैं देख रही हूँ कि एक घंटा ऑलमोस्ट होने वाला है तो ये वीडियो सेपरेट कर देती हूँ, सैयद डायनेस्टी और लोदी डायनेस्टी की वीडियो सेपरेट कर दूंगी, नहीं तो देखती हूँ मैं चाहती कि इतनी बड़ी वीडियो बने और आप बोर हो जाए देखने में, तो ये वीडियो हम यहीं पे एंड कर देते हैं, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगी बैक टू बैक ये सारी दिल्ली सल्तनत की वीडियोज़ एक या दो दिन में कंप्लीट डाल दूँ, ताकि आपको भी ईजी पढ़े करने में और पढ़ने में आपको बोरिंग ना लगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली सल्तनत, मैं इतना डिटेल में पढ़ा रही हूँ, मेरे हिसाब से किसी ने इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड नहीं करवाया होगा। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, घंटों चले जाते हैं पीपीटी बनाने में,
स्लाइड्स बनाने में, अलग अलग वेबसाइट्स से, अलग अलग जगह से ढूंढ ढूंढ के, एक एक शब्द जो है अपने नोट्स से ढूंढ के, अलग अलग चीज़ें जो इसमें डालनी पड़ती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मैंने खुद से बनाए हैं, नहीं, मैंने भी पढ़ा है, वेबसाइट्स पे पढ़ा है, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से पढ़ा है, और वहाँ से फिर कंटेंट इकट्ठा करके सबके मैंने ये बनाया है प्रॉपर। तो आपको इसको बहुत अच्छे से फॉलो करके पढ़ना पड़ेगा। तो इसको हम यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सैयद डायनेस्टी और लोदी डायनेस्टी। तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।